आपदा कहने को तो एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जब आता है तो अपने साथ भयंकर त्रासदी लेकर आता है। एक झटके में गांव के गांव, शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। पेड़ पौधे, सड़कें, बिजली के खंभे उखड़ जाते हैं और बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं। प्राकृतिक आपदाओं को रोका या समाप्त तो नहीं किया जा सकता है, मगर इससे होने वाली भयंकर हानि को कम किया जा सकता है। प्राकृतिक आपदाओं से लोगों और जनजीवन की रक्षा करने के लिए आपदा प्रबंधन बेहद जरूरी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की सत्ता संभालते ही 2 साल बाद 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जारी की, जिसका उद्देश्य भारत को आपदा प्रतिरोधक बनाना और जनजीवन की हानि को कम करना था। श्री मोदी के नेतृत्व में तैयार की गई देश में इस तरह की यह पहली योजना थी। इस योजना के तहत सरकार के समस्त विभागों और एजेंसियों के बीच हर प्रकार के एकीकरण का प्रावधान किया गया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य कमल किशोर ने बताया, जो अभी तक योजनाएं बनाई गई थी, गाइडलाइंस बनाई गई थी, पिछले 7 सालों में उनको जमीन पे उतारने का स्थानीय प्रशासन और लोगों की भागीदारी के साथ ये काम बड़े सतत तरीके से किया गया है। इसके अलावा सिर्फ जान की हानि जो होती है उसको रोकने से आगे बढ़ें और जीविकाओं को जो नुकसान होता है, अंग्रेजी में कहें तो गोइंग बियॉन्ड सेविंग लाइव्स टू सेविंग लाइवलीहुड, प्रधानमंत्री जी ने 10-पॉइंट एजेंडा दिया है और उसका जो पहला पॉइंट है वो ये है कि हम कैसे विकास के सभी कार्यक्रमों में आपदा प्रबंधन को समाहित करें, आपदा प्रबंधन को अलग से ना देखें, तो ये दूसरी चीज। और तीसरी ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर कैपेसिटी बिल्डिंग हो। गुजरात में 26 जनवरी 2001 को आए विनाशकारी भूकंप को कौन भूल सकता है, जिसने गुजरात के कच्छ को पूरी तरह तबाह कर दिया था। इसके अलावा गुजरात के अन्य शहरों में भी भूकंप के कारण जान माल का भारी नुकसान हुआ था। मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने भूकंप से तबाह हुए कच्छ और भुज को पूरी तरह बदल दिया। श्री मोदी के नेतृत्व में कच्छ फिर से विकास की राह पर आगे बढ़ गया। कच्छ जिले के चौबारी गांव के रहने वाले रामजी मेहरिया बताते हैं कि जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी उनके गांव आए थे तो लोगों की स्थिति देखकर बहुत भावुक हो गए थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। चौबारी गांव हमारा एपिसेंटर था भूकंप का, हमारे ऐसी गांव में भी 555 लोगों से भी ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। उसी टाइम हमारे तत्काल मुख्य प्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2001 में दिवाली के दिन हमारे गांव में आए थे और दिवाली हम सब दुखी लोगों के साथ मनाई थी। पूरा गांव की आंखों में आंसू थे, नरेंद्र भाई मोदी की आंखों में भी आंसू आ गए, कुछ बोल भी नहीं पाए क्योंकि वो इतने भावुक हो गए थे कि लोगों की स्थिति देख करके। लेकिन उन्होंने अपना मन मजबूत रखते हुए लोगों को बताया कि आप चिंता न करें, आने वाला समय इसी इलाके का होगा। मानो तब से ही कच्छ के विकास की शुरुआत यहाँ से हुई और चौबारी गांव ही नहीं, पूरे कच्छ का जो डेवलप हुआ आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में कच्छ का टूरिज्म बढ़ा हो, नर्मदा केनाल का पानी की बात हो या कुछ भी, तो कच्छ का जो डेवलप हुआ है 2001 के भूकंप के बाद, यानी कि आफत जो थी वो अवसर में बदल गई। इस साल जनवरी में दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपदाओं में संयम और साहस दोनों की जरूरत होती है। श्री मोदी ने कहा कि कच्छ को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए वो एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़े। 2001 में जब गुजरात के कच्छ में भूकंप आया था तो कुछ ही पल में सब कुछ तबाह हो गया था। इस भूकंप के कुछ महीने बाद मुझे गुजरात का मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व निभाने की जिम्मेवारी आ गई। हमने एक नई अप्रोच के साथ काम किया, एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़े। हमने सिर्फ इमारतें ही फिर से नहीं बनाई, बल्कि प्रण लिया कि कच्छ को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। तब वहां न उतनी सड़कें थी, न बिजली व्यवस्था ठीक थी, न ही पानी आसानी से नहीं मिलता था। हमने हर व्यवस्था सुधारी, हम सैकड़ों किलोमीटर लंबी नहरें बनाकर कच्छ तक पानी लेकर गए। कच्छ की हालत ऐसी थी कि वहां टूरिज्म के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, उल्टा हर साल हजारों लोग कच्छ से पलायन कर जाते थे। अब आज हालत ऐसे हैं कि बरसों पहले कच्छ छोड़कर गए लोग आज वापस लौटने लगे हैं। आज कच्छ में लाखों टूरिस्ट रणोत्सव में आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं।
यानी आपदा में हमने आगे बढ़ने का अवसर खोजा। कहते हैं जहां भी संकट होता है नरेंद्र मोदी संकट मोचक की भूमिका निभाते हैं। 2013 में जब उत्तराखंड में भीषण बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई थी तो श्री मोदी अपने आप को रोक नहीं पाए थे और लोगों की मदद करने के लिए पहुंच गए। 2014 में जब जम्मू और कश्मीर में भयंकर बाढ़ आई तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की मदद के लिए दिन रात एक कर दिया। वायुसेना और थलसेना के अलावा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने लोगों की मदद के लिए लगातार काम किया। मैं जम्मू कश्मीर वासियों से विश्वास दिलाता हूं कि आपत्ति सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं है, ये पीड़ा सारे देशवासियों की है, ये नेशनल लेवल का डिजास्टर है और भारत सरकार पूरी तरह कंधे से कंधा मिलाकर के यहां के सरकार के साथ और आप सबके साथ खड़ी है और आपको कोई कमी महसूस न हो इसके लिए भरसक प्रयास किया जाएगा। आज मैंने जम्मू में भी वहां के अधिकारियों के साथ बैठ करके आर्मी और एयरफोर्स और एनडीआरएफ में ऑपरेशन करने वालों से बैठ करके विस्तार से सारी जानकारियां ली। बाद में मैंने श्रीनगर के रीजन की भी विस्तार से जानकारियां ली। तत्काल जो आवश्यकताएं हैं वो हमारी प्राथमिकता है। वहीं 2019 में आए फनी तूफान और 2020 में आए चक्रवाती तूफान अम्पन का असर भारत के कई इलाकों में देखने को मिला। इन चक्रवाती तूफानों के आने से पहले ही श्री मोदी ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक ऐसा खाका तैयार किया जिससे जानमाल का नुकसान काफी कम हो गया। इस साल आए चक्रवाती तूफान ताउते और यास के दौरान भी प्रधानमंत्री ने इस बात पर विशेष ध्यान रखा जिससे जान माल का नुकसान न के बराबर हो। ओडिशा के नवरंगपुर जिले के निवासी गौरी शंकर मांझी बताते हैं कि मौसम विभाग से किसी भी आपदा की जानकारी समय से पहले मिलने की वजह से जान माल का नुकसान कम होता है। मौसम विभाग से इस मौसम का आभास समय से पहले पता चल जाता है जिससे हम प्राकृतिक रूप से धन जीवन की रक्षा कर पा रहे हैं। अभी केंद्र सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता भी अधिक मिलती है। यह कार्य हमारे ओडिशा में भी हो रही है। इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि पिछले कुछ सालों में मौसम पूर्वानुमान में काफी सुधार किया गया है और इसे नवीनतम उपकरण और प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ा गया ताकि ठीक समय पर लोगों को सतर्क किया जा सके। रिसेंटली वेदर फोरकास्टिंग में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसकी वजह यही है कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए जरूरत होते हुए जो ऑब्जर्वेशनल सिस्टम है, मॉनिटरिंग सिस्टम है और प्रेडिक्शन मॉडल्स है, ये सभी को लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के साथ एडवांस किया गया है। रिसेंट ईयर्स में आप देखें तो ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, ऑटोमेटेड रेन गेजेस का संख्या बढ़ाया गया है, क्वालिटी भी इम्प्रूव किया गया है। नंबर ऑफ कपलर रडार 15 से 30 हो गया 2014 से शुरू करके 2021 तक, लगभग डबल हो गया नंबर। इससे लगभग मोस्ट पार्ट्स ऑफ कंट्री कवर हो रहा है। इसके साथ साथ हमारे पास दो सैटेलाइट है, इनसैट 3D इनसैट 3DR, जिसके जरिए हर 15 मिनट में हम सैटेलाइट बेस्ड क्लाउड इमेजरी ले सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि सरकार देश में बाढ़, शीतलहर, लू की चपेट में आने से होने वाली मौतों के आंकड़े को शून्य स्तर पर लाने के लिए ठोस कदम उठाएगी। मेरा मानना है आपदा प्रबंधन का तंत्र देश में इस प्रकार से होना चाहिए कि कितनी भी घोर आपदा हो एक भी व्यक्ति की जान न जाए, इस प्रकार का तंत्र बनाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे सामने यही लक्ष्य रखा है। मगर अप्रोच में जो बदलाव आया है इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। जैसे मैं बता सकता हूं, 1999 के साइक्लोन के अंदर 10,000 लोग मरे गए, इस एक ही वर्ष के अंदर 3 साइक्लोन आए हैं, मृत्यु का आंकड़ा 50 से ज्यादा नहीं है। 50 कोई कम नहीं है मगर मैं तुलनात्मक दृष्टि से बता, क्योंकि हम बहुत एडवांस में इसकी वार्निंग दे देते हैं और राज्यों ने भी इसके लिए बहुत अच्छा तंत्र खड़ा किया है। विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी कोरोना महामारी के दौरान नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता को पूरे विश्व ने सराहा।
चाहे वो कोरोना से देश के नागरिकों की रक्षा करने की बात हो या विश्व को महामारी से बचाने के लिए टीके मुहैया कराने की बात हो। जनवरी 2020 में जब कोरोना वायरस ने जैसे ही कई देशों में दस्तक दी, तब से नरेंद्र मोदी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए थे। उन्होंने देखा कि विकसित राष्ट्र भी इस महामारी को रोकने में विफल साबित हो रहे थे। श्री मोदी को पता था कि इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए सामाजिक दूरी बहुत ही आवश्यक है, इसलिए उन्होंने पिछले साल 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान और उसके बाद पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया। आज प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूं, ये है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहें। हाँ, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका बहुत बड़ा दायित्व तो होता है, लेकिन एक नागरिक के नाते न हम जाए और हम देखने के लिए भी न जाए। साथियों, 22 मार्च को हमारा ये प्रयास हमारे आत्मसंयम, देश हित में कर्तव्य पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीक होगा। इस महामारी के फैलने के कारण हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के दौरान ही अपने गांवों की ओर पलायन करने लगे। श्री मोदी ने इन श्रमिकों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ी चलाई। इसके अलावा श्री मोदी ने आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की, जिसके तहत लोगों को मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोरोना महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई और इसके तहत लगभग 70 लाख लोगों को विशेष विमानों और नौसेना के जहाजों के माध्यम से वापस लाया गया। सभी लोगों को इस महामारी से निजात दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 16 जनवरी को विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। आम तौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं, दो दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। कहते हैं, सुख के समय तो हर कोई साथ होता है, लेकिन दुख की घड़ी में जो साथ निभाए वो अपना होता है। नरेंद्र मोदी के अंदर जनसेवा की भावना कोई आज की बात नहीं। राजनीति में आने से पहले भी वो लगातार लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहते थे। संकट के समय श्री मोदी न केवल भारतवासियों बल्कि अन्य देश के लोगों की भी सहायता से पीछे नहीं हटे। चाहे वो दूसरे देशों को टीका उपलब्ध कराने की बात हो या किसी भी प्रकार की आपदा के समय सहायता की बात हो।